नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट्ट न्यूज खबर सुपौल से है। जिस देश में पशु एवं जानवरों की जनगणना हो सकती है, वहां इंसानों की क्यों नहीं? पता तो चले कि किस धर्म और किस जाति के कितने लोग हैं, तभी तो उसके विकास के लिए अच्छी प्लानिंग की जा सकती है। यह बात पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने कही। दरअसल आज पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी सुपौल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सुपौल पहुंचने के बाद मंत्री ने सदर बाजार स्थित सुधा डेयरी का निरीक्षण किया, जिसके बाद सहरसा जाने के क्रम में परसरमा चौक पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि जब पशु का जनगणना हो सकता है तो इंसानों का क्यों नहीं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखे रिपोर्ट में। जातिगत जनगणना होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और हमारी पार्टी तो चाह रही है कि जातिगत जनगणना हो। जब इस देश में पशु का जानवर वर्ग का जब गणना हो, तो फिर यहाँ पे इंसान का क्यों ना हो, और हर जाति धर्म के लोग पता चले कि किस जाति धर्म के लोग कितने हैं, ताकि विकास के लिए अच्छे पॉलिसी बनाने के लिए कारगर होगा। तो इसके लिए जातिगत जनगणना के लिए राज्य सरकार गंभीर है, और राज्य सरकार हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, और जल्द से जल्द हम बिहार में जातिगत जनगणना करवाने का काम करेंगे।